इन बच्चों को कुछ बताऊंगा तो बच्चे कल्याण पाएंगे, नहीं तो इनका कल्याण कब होगा? कौन देखना चाहता है? तो भूतों को बुला के दिखाता, देखो जब मैं शिव यज्ञ करता हूँ एकांत में, तो उस एकांत यज्ञों में उन देवताओं को बुलाते हैं, तो अग्नि में वो देवता अग्नि रूप लेके बैठते हैं। जब हमने रुद्र यज्ञ किया, नंदी की जब आहुति दी, तो अग्नि नंदी रूप धारण की, उसका फोटो है ये, दिख रहा है? दिख रहा बहनों? पीछे वाली को भी दिख रहा है, इनके नजर बहुत तीक्ष्ण है। एकदम पीछे वाली बहनों को भी दिखने लगा, तभी पति कोई गलती नहीं कर पाता, पकड़ाता है। दिख रहा है? ये अग्नि है। ये क्या है? अग्नि नंदी रूप लेके, कान दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, ये यज्ञ का प्रभाव है। आपको नहीं भी मालूम पड़े, आपको मालूम पड़ने की जरूरत नहीं, देवता अग्नि में श्रद्धा की जरूरत है कि उसमें देवता है। मुझे नहीं दिखे, गुरुदेव को तो दिख रहे हैं, इसलिए गुरुदेव जब भी यज्ञ शुरू होता है 4 घंटे तक सिर्फ अग्नि को ही देख रहे हैं। वो अग्नि को देख के क्या करेंगे? उनको उसमें देवता दिख रहे हैं, इसलिए वो यज्ञ देख रहे हैं। हमको नहीं दिखे तो भी हम श्रद्धा से बैठे, बोलिए सतगुरु भगवान की। हमको नहीं दिखे तो भी हम श्रद्धा से बैठे। देखो ये श्रद्धा हमको तारेगी, क्या करेगी? ये देखो, जब भैरव जी का यज्ञ किया तब स्वान की आहुति दी, तो स्वान आके खड़ा हुआ है, है? तो जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं वो नहीं है, ऐसा नहीं है, हम नहीं जानते ऐसा है। इसलिए यज्ञ को मैं दुनिया के सबसे पावरफुल विधि, देखो एक जमाने में सब जानते थे, लात मारी बाबा पहले भस्म ही देते थे सबको, 20 साल पहले हर भी आता था भस्म। एक भाई आया, जब मैं 9 फुट बाई 9 फुट का कुंड बना के साधना करता था, ये तीर्थ नहीं था, कंपाउंड भी नहीं था, ये कंपाउंड तक नहीं बना था, ये कुछ नहीं था, खाली जमीन था। मैं जब ही जमीन में माँ का आदेश देख के, यहाँ जो नागों का स्थान देख के, माँ ने कहा मैं यहाँ हूँ, आओ आओ, हम आए यहाँ यज्ञ बैठ के। अकेला रहता था रात में नौ, इतना बड़ा बड़ा मैं, इतने बड़े बड़े अखरोट, बादाम, पिस्ता, गुगुल, दसांग धूप से गोलियां बनाता था, घी में मिक्स करके उसका हवन करता माँ के सामने। रात में 9 बजे बेंगलुरु से एक व्यक्ति आया, मेरी पत्नी को पेशाब की जगह कैंसर है, डॉक्टर ने मना कर दिया, हाथ झटक दिया, किसी ने बताया कि आपके चरण में ही इसका निस्तार निकल सकता है और कोई नहीं बचा सकता, आप कृपा करो। मैंने तुरंत वो गरम भस्म साइड, जैसे जैसे हवन करते हैं थोड़ा राख नीचे भी गिरता है ना, उसी कुंड में साइड में, उसमें से थोड़ा राख लेके दिया, थी इसको पिलाओ, 3 टाइम पानी में पिलाओ। 2002 की बात है, 2002 आज से 22 वर्ष पहले की। माँ ने मुझे बोला था कि मई 5 तारीख को 2003 में मेरे मंदिर की प्रतिष्ठा करनी, तब 2003 की बात है, मार्च 28 तारीख की बात। मैं सोचूं कि माँ बोल रही है कि 38 दिन में मंदिर बनाना, कितना मंदिर 38 दिन में कैसे बनाऊंगा, क्योंकि तब मुझे कोई नहीं जानते थे, लाल वस्त्र पहनता था, लाल वस्त्र पहन के साधना करता था। अभी तो आप लोग बड़े प्रेम से मेरे लिए कुछ सहयोग भी करते हो, नहीं भी करो तो माँ को बोल के सहयोग को मैं आकर्षित कर देता हूँ, लेकिन वो जमाना था जब कोई नहीं जानता। मैं सोचा कैसे होगा, दिलीप सोमपुरा नाम का एक मंदिर बनाने वाला शिल्पकार बेंगलुरु रहता था, उसको बुलाया। उसने कहा महाराज 38 दिन में कहाँ मंदिर बनेगा, खड्डा खोदना, नींव भरना, ऊपर मंदिर बनाना, शिखर बनाना, उस पर ध्वजा चढ़ेगी, अंदर मूर्ति बैठेगी, नहीं होगा, नींव भर देंगे, ईंटों से मंदिर बना देंगे, ईंटों से शिखर बना देंगे, अंदर मार्बल लगा देंगे ताकि मूर्ति बैठ जाए, वापस कोई अंदर कोई दोष न लगे, बाकी काम बाद में करना। आप नए भी हो, मैं 27 लाख रुपया इस काम का एस्टिमेट लाया हूँ, आप पहले एडवांस दो 27 लाख, आप 38 दिन में काम करवा दोगे फिर पैसे के लिए रुलाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप नए दिख रहे हो मेरे सामने। बोल, मैंने बोला कल दे दूंगा 3 बजे पैसा तुझे, माँ बोल रही है कि कल दे देंगे। वो गया, फिर माँ को मैंने पूछा कि कल कैसे देंगे, मेरे पास कोई पैसा थोड़ी है, तू क्या ही लिए कल बोली,
माँ हंसने लगी। उसके बाद मैं शांत हो गया। उसी दिन रात में ये आदमी आया जिसको मैंने भस्म दिया। और मैंने से वो शिल्पकार को कब बुलाया, कब बुलाया? अगले दिन 3 बजे दोपहर। वो अगले दिन 3 बजे आ गया। अब मेरे सुबह से दिमाग में चले कि इसको 27 लाख, 2002 में 27 लाख मेरे लिए 27,000 करोड़ जैसे दिखता था, वो एक जमाना था। हाँ, तो मैं क्या करूं सोचता था। तो बराबर 3 बजे ये आ गया शिल्पकार, पैसा दीजिए मारा। इसको क्या बोलूं मैं, माँ को बोलूं, तू बोली ना कल दूंगी, अब मैं इसको क्या बोलूं। उतने में वो जो कल गया कैंसर वाला पति, कैंसर वाली का पति, वो आया। मैं कह इसको तो कल राख दे दिया, अब काई लिए घड़ी घड़ी आता है। मेरे को मन में गुस्सा आया कि मेरी अपनी व्यथा में मैं हो रहा हूँ दुखी, उसमें ये क्यों बीच में आया। तो ये आके सीधा बोलता है कि महाराज जी कल मैं राख लेके रात में 1 बजे ही घर पहुँचा, और जैसे ही सोया सुबह 4 बजे पद्मावती आई। ये व्यक्ति जो बेंगलोर में एयरपोर्ट के पास देवनअली नाम का पद्मावती का क्षेत्र है, उधर भी पद्मावती का मंदिर बनाया हुआ, वही व्यक्ति का मैं अब बात कर रहा हूँ। वो व्यक्ति बोल रहा है कि कल पद्मावती मेरे सपने में आई 4 बजे, बोल रही है कि 27 लाख रुपया कृष्णगिरी में मेरे मंदिर बनने को चाहिए ना, तू गुपचुप क्या बैठा है, 3 बजे पहले 27 लाख लेके तू महाराज जी के पास पहुँच, ये मेरा आदेश है। बोली तो मैं 27 लाख लेके सूटकेस लेके आई हूँ महाराज, सूटकेस लेके आया हूँ। ये जो शक्ति पद्मावती का मंदिर देख रहे हो, वहाँ ऊपर वो नाम पढ़ लेना, उसी का नाम उसके ऊपर लगाइए कि मंदिर पर। उस जमाने में 2 मंदिर पर नाम लगा दिया, बाद में किसी का कहीं नाम नहीं लगाया हमने। लेकिन वो 27 लाख लेके बराबर 3 बजे पहुँचा, तो फिर ये हंसने लगी माता के, भाई मैंने बोले ना 3 बजे बुलाना, मेरा बोला हुआ किया कर, मेरे सामने प्रश्न मत कर। उस दिन इससे प्रश्न करना छोड़ दिया मैंने, समझा ना, उस दिन प्रश्न करना छोड़ दिया। 27 लाख का सूटकेस लेके 3 बजे आया 2002 में दोपहर में, और मैंने हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा लेने वाला ये है, देने वाला तुम गिन लो, ले लो, मेरा तो मंदिर बने तो बस। बड़े धूमधाम से 38वें दिन अनुराधा पौडवाल भी आई, संगीत भी हुआ, न प्रतिष्ठा भी हुई, न भक्ति भी हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ प्रतिष्ठा के। उसके बाद 2005 में बाकी मंदिर बनाए। बाकी मंदिर बनाते समय मंदिर पूरा हो गया, जून महीने में 13 दिन का उत्सव था, तो वापस माँ का सपना आ गया। माँ बोले केसर मत खरीदना। इस मंदिरों में क्या है, सब मंदिर में मुंह पर कपड़ा बांध के हर व्यक्ति पूजा कर सकता है, तो इन मंदिरों में केसर बहुत लगता है, तो केसर बिना कैसे करूँगा। माँ बोल रही केसर मत खरीदना। तो अश्विन गुरु जी जो विधि कारक हैं, उस समय जीवित थे वो, अभी तो उनका देहांत हो गया, तो वो ही हमारे विधि कारक थे। उन्होंने 1.25 किलो केसर लिख के दिया, 1.25 किलो। तो मैं क्या 1.25 किलो, अपने पास 1.25 ग्राम भी नहीं है, अभी एक मंदिर की प्रतिष्ठा कैसे होगी। माँ वापस उसी दिन सपने में आई। ध्यान रखना, मैंने बोल दिया ना कि ज़्यादा मेरे से सवाल मत करना, केसर लेना नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ। तो मैंने कहा वाह माँ तेरी खुशी, तू जैसे प्रतिष्ठा कराना कर, तू जाने अपमान होगा तो तेरा, क्योंकि जिसने तेरे चरण में पूरा सर्वस्व समर्पित कर दिया उसका मान अपमान क्या होता है। अब मान होगा तो भी तेरा ही होगा ना, अपमान होगा तो भी तेरा ही, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। 13 दिन का उत्सव था, उत्सव का दिन भी आ गया, शुरुआत, आज उत्सव शुरू होना है, आज उत्सव शुरू होना है। और उत्सव शुरू होने के दिन वो विधि कारक जी आ गए। कौन? अश्विन गुरु जी। ये इसका बाप भी आया, वो ही संगीतकार था इसका बाप, अभी ये बजा रहा है, कल इसका बेटा भी आएगा मेरे पास बजाएगा। तब उसका बाप बजाता था, वो भी आ गया प्रतिष्ठा में। तब आके केसर दीजिए, विधि कारक मांग रहा है। अब मैं कैसे बोलूं कि केसर माँ ने मना किया है, किस कारण से? वो सामने खड़ा है, उसी समय कुरियर का आवाज आया, पोस्ट, मैं वहीं खड़ा हूँ। इतना बड़ा बॉक्स आया, इतना बड़ा बॉक्स। मैं कह ये क्या बॉक्स है, खोलो भाई, अपने काम भी बहुत है, ये क्या आया, जल्दी खोलो। खोला तो अंदर एक पत्र भी था और अंदर चीज भी थी। पत्र में लिखा था कि मैं राजकोट से केतन भाई गोसालिया बोलता हूँ, हमारे राजकोट में आज से
दस दिन पहले हम मनियार पार्श्वनाथ मंदिर में पूजा करने गए तो बाहर आपका तमिलनाडु कृष्णगिरी में प्रतिष्ठा का पोस्टर लगा हुआ था, मैं उसको पढ़ के अंदर पूजा करने गया और मैं भूल गया, रात में सोया तो सपने में देवी आई, बोले कि कृष्णगिरी में 1.25 किलो केसर बेच, ये तेरे लिए अनिवार्य है। और मैंने तुरंत उस आदेश का पालन करके सोचा कि किस कृष्णगिरी में, फिर याद आया सुबह हमने पोस्टर पढ़ा उसके नीचे ही प्रतिष्ठा स्थल नाम से आपका एड्रेस लिखा था, तो वापस मंदिर जाके पोस्टर से एड्रेस लेके ये केसर पोस्ट कर रहा हूँ, माँ के आदेश से मेरे को आशीर्वाद देना है, ऐसे 1.25 किलो यहाँ विधिकारक मांग रहा है, 1.25 किलो ही केसर पोस्ट में आ रहा है, 27 लाख की सोमपुरा मांग रहा है और 27 लाख की सूटकेस में लेके आदमी आ रहा है, तो ये कृष्णगिरी उसकी शक्ति से चलती है जो सूर्य चंद्र को चलाती है।